मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल के विशाल अटल पार्क में करीब 14 करोड़ 87 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया, जिसमें 1,98,80,000 से कुंज के नवनिर्मित BDPO कार्यालय का उद्घाटन, 56 लाख रुपए की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 14 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण, 7,09,28,000 रुपए की लागत से करनाल कैथर रोड पर पश्चिमी यमुना नहर के पुल के निर्माण कार्य, ढाचर से इछनपुर तक 3,13,00,000 रुपए की लागत से सड़क के सुदृढ़ीकरण के कार्य, 44 लाख रुपए की लागत से रामनगर क्षेत्र में निर्मित अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन और इंद्री रोड से कर्ण लेक उच्चाणा तक 55,39,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी सदैव हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वे कुशल शासक थे और उसी नाते उनके जन्मदिन 25 दिसंबर को हर वर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रसन्नता की बात है कि डैश एंड डैश कंपनी के माध्यम से ये जो कार्यक्रम का सेव अर्थ साइक्लोथॉन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लोगों को जन जागरण के नाते से मैं शुभकामना देता हूं कंपनी को भी और इन सब बच्चों को भी, और इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा जो पर्यावरण बचाने का मुहिम है वो आगे। देखिए अभी मेरा अगला कार्यक्रम वहीं पर है और बहुत ही एक करनाल शहर के लिए एक अच्छा प्रसन्नता का विषय है कि आज अटल पार्क में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद मूर्ति, उसका जो निर्माण करके लगाया गया उसका आज अनावरण होगा और इस अवसर पर निश्चित रूप से करनाल के लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी अटल जी के जीवन से। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।